फॉरेन तड़का चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ तनुजा और आज की रेसिपी है रसमलाई। इस रेसिपी की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने इस रेसिपी को बनाया है। मैं आशा करती हूँ कि उनको ये रेसिपी अच्छी लगे, साथ ही में आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे। काफ़ी सिंपल टेक्निक्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे। रसमलाई इंडिया की ऑथेंटिक रेसिपी है, तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 पैकेट दूध लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, गाय का दूध यूज़ किया हुआ है। इस पूरी रेसिपी के लिए मैंने 3 पैकेट यूज़ किया हुआ है। 1 पैकेट हम साइड में रखेंगे रबड़ी रसमलाई के लिए और 2 पैकेट का हम छेना बनाएंगे। 1 पतीले में दूध डालेंगे और इसे गरम करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा उबाल आता है, गरम होता है, तो आपको स्टिर करना है, चलाते रहना है उसको। ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसी दौरान हम डालेंगे 1 to 2 टेबल स्पून विनेगर या फिर लाइम जूस। आप दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे चलाते रहिएगा तो दूध है वो फटने लगेगा, और उसके बाद गैस को ऑफ करना है और दूध को पूरा सेटल डाउन होने देना है। तुरंत ही इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आप देख सकते हुए दूध और पानी पूरा अलग हो चुका है। जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा, तभी हम कॉटन का कपड़ा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा। छानने में हमें आसानी हो जाएगी, आप कॉटन का कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। तो छेना को अच्छी तरह से छान लेना है और उसमें फ्रेश वाटर डालना है, ठंडा पानी डालना है, और इसे एक बार फिर से हम छान लेंगे ताकि विनेगर का जो स्वाद है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर आप लेमन भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको 2 बार इसे अच्छी तरह से रिंस कीजिएगा। इसे ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, और तुरंत ही इसको हम किचन में हैंग कर देंगे ताकि इसका जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 30 to 45 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। उसी दौरान हम बनाएंगे रसमलाई रबड़ी। उसके लिए 1 पैकेट यूज़ करेंगे, 0.5 लीटर दूध है ये। ये पूरे पैकेट्स होल मिल्क है, मीन्स इसमें 3.25% फैट है। तो आपको पूरे रेसिपी के लिए फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। और उसी दौरान डालेंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा सिमर हो जाता है, थोड़ा सा उबाल आता है, तभी हम डालेंगे केसर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा कलर देगा और फ्लेवर भी देगा। उसके बाद डालेंगे 1 कप शुगर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। इलायची पाउडर 1 चम्मच। इसे मिक्स करेंगे। इसे कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। ज़्यादा थिक नहीं करना है। कट किया हुआ पिस्ता और बादाम डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है, तो आपको इसी कंसिस्टेंसी में रखना है इसे। और गैस को ऑफ करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और हम बनाएंगे अभी रसगुल्ला के लिए शुगर सिरप। उसके लिए लेंगे हम 1 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें डालेंगे 1 से 1/2 कप शुगर। शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। और मीनवाइल हमारा जो छेना है उस पर हम काम करेंगे। अगर उसमें कोई मॉइस्चर है तो आप इसमें डाल सकते हो 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, या फिर आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हल्के हाथ से इसे मैश करना है। अगर आपका छेना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और इसे हल्के हाथ से मैश करना है जब तक उसमें से फैट नहीं निकलता। ये सिल्की और स्मूथ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैश करोगे तो ऑटोमेटिकली छेना से है फैट निकल जाएगा। इस टाइम पे हम इसे स्टॉप करेंगे, ज़्यादा इसे मैश नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा मैश करोगे तो हमारे रसगुल्ला बॉल हैं वो इलास्टिक की तरह हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और ज़्यादा फूलेंगे नहीं। अभी हम रसगुल्ला बॉल्स बनाएंगे। साइज़ आप आपके अनुसार रख सकते हो, छोटा बड़ा, आपको जैसा पसंद है वैसा। और इसे हल्के हाथ से दबाना है। तो ये हमारे रसगुल्ला बॉल्स रेडी है। अभी जैसे ही सिरप में उबाल आता है, तभी हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इस सिरप को कंटिन्यूसली उबाल लाना है। धीरे धीरे हम सारे बॉल्स इसमें डालेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है इसे और कंटिन्यूसली उबाल लाना है। और इस बॉल को हमें पकाना है जब तक ये डबल साइज में नहीं हो जाते। आप देख सकते हो ये डबल साइज में हो चुका है। इसे पलट देंगे और कुक करेंगे। लगभग इसे 10 से 15 मिनट लगेगा। रसगुल्ला बॉल्स पके हैं या नहीं है जानने का एक आसान तरीका है। आप कोई भी रसगुल्ला उठा लीजिएगा और उसे ठंडे पानी में डाल दीजिएगा।
अगर वो बॉटम में लग जाता है तो वो पक चुका है, और अगर वो फ्लोट होता है ऊपर आता है तो वो पका नहीं है। आप देख सकते हो ये कितना स्पॉन्जी है। ये भी एक तरीका है जानने का कि रसगुल्ला पके या नहीं है। अभी एक चम्मच में हम इसे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, जूस निकालेंगे, जो रसमलाई रबड़ी है उसमें डालेंगे। रबड़ी है थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, और इसमें हम एक एक करके सारे रसगुल्ले डालेंगे और इसे रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पूरी तरह से ठंडे होने देना है, इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने तक रखेंगे। 10 से 15 मिनट तक आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हो ये हमारी रसमलाई थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन डोंट वरी, जैसे ये फ्रिज में जाएगी तो थिक हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे बाउल में निकालेंगे। ये जो रसमलाई रबड़ी है ये रबड़ी की तरह ज़्यादा थिक नहीं है, ये ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसी तरह से आपको इसे रखना है। बाउल में निकालने के बाद हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, और 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कितना थिक हो चुका है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को प्यार से बनाओगे और टेक्निक के साथ बनाओगे तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह से टेक्निक के साथ इसे बनाओगे तो काफ़ी सिंपल रेसिपी है। और अभी हम इसे गार्निश करेंगे सम पिस्ताचो और केसर के साथ। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हम घर पे ही इसे बना सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिएगा, कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।